हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू द लेक्चर नंबर थ्री ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न सेम द मटीरियल वेरांसेस एंड मटीरियल के जो हमने वेरियंसेस सीखे थे उसके जितने भी कैलकुलेशन हमने सीखे थे वो सिर्फ सिंगल मटीरियल के लिए थे तो इस वीडियो में हम सीखेंगे अगर आपको दो मटीरियल्स का इंफॉर्मेशन दिया होगा तो हाउ टू कैलकुलेट द मटीरियल वेरियंसेज तो इस वीडियो में मटेरियल वेरिएंसेस के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं और फिर अगले वीडियोस में अगले लेक्चर में हम लेबर वेरिएंसेस के ऊपर भी फोकस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हैं तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुडे कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन स्टैंडर्ड फॉर वन यूनिट तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है स्टैंडर्ड कितने यूनिट का दिया है तो so, स्टैंडर्ड आपको वन यूनिट का दिया है ऑफ केमिकल ए फोर्टी फाइव के जी ऑफ मटीरियल एक्स एट द रेट रूपीज फोर पर के जी तो स्टैंडर्ड के साथ जो जो चीजें दी है वो हमारे लिए क्या होंगे वो हमारे लिए होंगे स्टैंडर्ड ये हमारे लिए स्टैंडर्ड प्राइस आ चुका है फोर रुपीज पर के जी सेकेंड के लिए है फोर्टी के जी ऑफ मटीरियल वाई एट द रेट रुपीज एट पर के जी एक्चुअल प्रोडक्शन इज टू हंड्रेड यूनिट्स एंड एक्चुअल डिटेल्स इज ऑल्सो गिवन टू यू सो द फर्स्ट एंड द फोर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज

ये चार पॉइंट्स हमें ज़रूरी होते हैं फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन तो अभी पहले फॉर्मेटिंग कर लेते हैं देखो मैंने स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कुछ इस तरीके से लिखा है तो पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं स्टैंडर्ड प्राइस देखो एक्स का फोर है और वाई का एट है तो चलो फिर स्टैंडर्ड प्राइस लिख लेते स्टैंडर्ड प्राइज एक्स का है रूपीस 4 और वाई का है रूपीस एट एक्चुअल प्राइस देख लेते हैं एक्चुअल एक्चुअल प्राइस नीचे इधर डिटेल्स में दिया है एक्स का है थ्री पॉइंट एटी और वाई का है एट पॉइंटी थ्री पॉइंटी यहाँ पे लिखेंगे रुपीस थ्री पॉइंट एटी एंड रुपीस एट पॉइंट फोर्टी चलो ये भी हो चुका है एक्चुअल प्राइस ऑल्सो हैव रिटर्न नाउ लेट अस सी द एक्चुअल क्वांटिटी प्रॉपरली तो एक्चुअल क्वांटिटी अगर देखे तो यहाँ पे आप एक्चुअल डिटेल्स में देख सकते हैं वन थाउजेंड के जी एंड एट फिफ्टी के जी तो वो भी लिख देंगे अभी एक्चुअल क्वांटिटी है फर्स्ट के लिए वन थाउजेंड के जी और सेकेंड के लिए है एट फिफ्टी के जी स्टैंडर्ड क्वांटिटी यही तो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट होता है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है तो तो पार्ट इज हाउ टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए हमेशा इक्वेशन प्रिपेयर करना है ध्यान से समझना अभी इक्वेशन देखो अगर हम स्टार्टिंग का डिटेल पढ़ते हैं तो आपको वहां पे इंफॉर्मेशन दिया जाता है स्टैंडर्ड फॉर वन यूनिट ऑफ केमिकल ए अगर एक यूनिट केमिकल ए का यूज करेंगे तो मटीरियल एक्स कितना लगेगा फोर्टी फाइव के जी लगेगा हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है टू हंड्रेड यूनिट तो देखो किस तरीके से इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है देखो ध्यान से एक यूनिट बनाने के लिए फोर्टी फाइव के जी मटीरियल एक्स लगता है तो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन है टू हंड्रेड यूनिट्स तो दो सौ यूनिट्स बनाने के लिए कितना के जी मटीरियल लगेगा तो टू हंड्रेड इंटू फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई वन टू हंड्रेड इंटू फोर्टी फाइव करोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा नाइन थाउजेंड के जी ठीक है कितना आ जाएगा आपको नाइन थाउजेंड जी ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट नाइन थाउजेंड के जी और इंपॉर्टेंट पार्ट तो फर्स्ट के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया इट्स नाइन थाउजेंड के जी सेकेंड के लिए ढूंढते हैं वन कितना के जी मटीरियल लग रहा है यूनिट के लिए लग रहा है फोर्टी के जी दिया हुआ है तो टू हंड्रेड यूनिट के लिए कितना लगेगा टू हंड्रेड यूनिट्स के लिए कितना लगेगा तो टू हंड्रेड इंटू फोर्टी करेंगे डिवाइडेड बाई वन तो यहाँ पे आ जाएगा एट थाउजेंड के जी ठीक है तो यहाँ पे आया एट थाउजेंड के जी तो हम इसको सॉल्व करेंगे मटीरियल वेरियंसिस के फॉर्मूला लिखेंगे तो मटीरियल प्राइस वेरियंस दो बार सॉल्व करना है आपको फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वान्टिटी तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना था एक्स का फोर माइनस एक्चुअल प्राइस कितना था थ्री पॉइंट एटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी कितना था वन थाउजेंड ध्यान से एक बार चेक कर लेते देखो स्टैंडर्ड प्राइस फोर थ्री पॉइंट एटी एक्चुअल क्वांटिटी वन थाउजेंड तो फोर माइनस थ्री पॉइंट एटी इंटू वन थाउजेंड तो आपको यहां पे आंसर मिल जाएगा टू हंड्रेड फेवरेबल फिर y का सॉल्व करते हैं y का एक बार चेक कर लेते हैं एट माइनस एट पॉइंट फोर्टी इंटू एट फिफ्टी के जी यहाँ पे लिखेंगे एट माइनस एट पॉइंट फोर्टी मल्टीप्लाइड बाय एट फिफ्टी तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी लेकिन नेगेटिव दैट इज एडवर्स अभी आपको क्या करना है जब अभी जब दो मटेरियल्स रहेगा तो दोनों मटेरियल्स के लिए एक फेवरेबल है एक एडवर्स है तो यहाँ पे इसका टोटल करना है थ्री फोर्टी एडवर्स टू हंड्रेड फेवरेबल अगर हम टू हंड्रेड में से थ्री फोर्टी माइनस करेंगे हमें एं नेगेटिव आंसर आएगा वन फोर्टी एडवर्स तो इस तरीके से आपको जब दो मटेरियल्स रहेंगे तब इस तरीके से करना है तीन मटेरियल्स रहेंगे तो भी इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है अब मटेरियल यूसेज वेरियंस एक्स का सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने कैलकुलेट किया था नाइन थाउजेंड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी दिया था 1000 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस है 4 9000 माइनस 1000 8000 8000 इनटू 4 इस 32000 32000 फेवरेबल फिर y का सॉल्व करते हैं सिमिलरली y का कितना हमने कैलकुलेट किया स्टैंडर्ड क्वांटिटी 8000 माइनस 850 इज द एक्चुअल क्वांटिटी गिवन और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है इनका 8 है आ जाएगा फिफ्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड ये भी फेवरेबल अभी दोनों के दोनों फेवरेबल है कोई प्रॉब्लम नहीं है टोटल कर लो थर्टी टू थाउजेंड प्लस फिफ्टी सेवन टू हंड्रेड दैट कम्स टू एटी नाइन टू हंड्रेड लेकिन पॉजिटिव दैट इज फेवरेबल तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस देखो सॉल्विंग तो सिमिलर है जो हमने पहले किया था सिर्फ वेन एवर टू मटेरियल्स आर गिवन वी विल कैलकुलेट इंडिविजुअली एंड देन टेक द टोटल ऑफ दैट अभी हम सॉल्व करेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना एक्स का नाइन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय फोर माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना एक्स का वन थाउजेंडीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस है थ्री पॉइंट एट पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थर्टी नाइन फोर का थर्टी सिक्स थाउजेंड थर्टी सिक्स थाउजेंड थर्टी सिक्स थाउजेंड माइनस थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड अगर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा थर्टी टू थाउजेंड टू हंड्रेड फेवरेबल ठीक है तो अभी वाई का सॉल्व करेंगे सिमिलरली वाई का कितना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस कितना है एट माइनस वाई का एक्चुअल क्वांटिटी कितना है एट फिफ्टी इंटू एक्चुअल प्राइस कितना है एट पॉइंट फोर्टी एट थाउजेंड इंटू एट यहाँ पे आ जाएगा सिक्स फोर थाउजेंड और यहाँ पे आ जाएगा एट फिफ्टी इंटू एट पॉइंट फोर्टी सेवन वन फोर जीरो तो अगर आप इसको माइनस करो तो आ जाएगा सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सिक्स तो दिस इज ऑल्सो फेवरेबल दिस इज ऑल्सो फेवरेबल Just take the total of this. Total will be 32200 plus 56860 will be 89060. That is the total. This is also favorable. Since both are favorable, total will also be favorable. So, this is the question of two materials. So, the only level of two materials is whenever two materials is given in the question, just calculate individual material variances of the materials. एंड देन वी हैव टू टेक द टोटल ऑफ बोथ तो उस तरीके से हमको सोल्व करना है अगर दो मटेरियल्स के जगह पे तीन मटेरियल्स भी आए तो भी आपको इसी तरीके से, के बेसिस पे सोल्व करना है तो इन दिस लेक् टू मटेरियल्स टाइप थ्री मटेरियल्स आए तो तीन बार सोल्व करना फिर टोटल करना सिमिलर टाइप है फिर अगले लेक्चर में हम मटीरियल और लेबर वेरियंसेस का एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें लेंगे कि मटीरियल और लेबर वेरियंसेस अगर आपको पूछा है तो किस तरीके से आपको सोल्व करना That's it from this video. Thank you very much, all of you. Bye bye. Take care.